कि एजम्प्टॉट्स ऑफ हाइपरबोला, तो कहते हैं टेंशन विच मीट्स द हाइपरबोला एट इन्फिनिटी आर कॉल्ड एजम्प्टॉट्स. एजम्प्टॉट आर ऑल्सो डिफाइंड हैज द टेंशन ड्रॉन टू अ हाइपरबोला फ्रॉम द ओरिजिन. द कम्बाइंड इक्वेशन ऑफ द एजम्प्टॉट्स ऑफ हाइपरबोला इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन. यानी देखो, अब यहाँ पे जब वन के बजाय यहाँ क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा. फिर क्या होता है, इक्वेशन जो होती है ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स एजम्प्टॉट डिफर ओनली बाय कॉन्स्टेंट. एनी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एजम्प्टॉट्स मीट्स द हाइपरबोला एट ओनली वन पॉइंट. द एंगल बिटवीन द एजम्प्टॉट इज टू टेन इनवर्स बी अपॉन ए और टू सेक इनवर्स ई. ऐसी शेप होती है, यानी हाइपरबोला और दो लाइनें एक्स की सूरत में जो इन्फिनिटी तक चल रही हों, तो ये चीज़ होती है हाइपरबोला. एक और बड़ा इम्प्रूवमेंट, द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला टू इट्स एजम्प्टॉट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. फिर कह रहे हैं द बायसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द एजम्प्टॉट्स ऑफ अ हाइपरबोला हैज़ द कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये इतनी अहम बातें नहीं है. जो इसमें देखो अहम तरीन बात होती है वो इसकी इक्वेशन होती है, वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स. ये असल चीज़ है. क्वेश्चंस करेंगे तो अब हमें अंदाज़ा हो गया. बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इक्वेशन निकालनी है हाइपरबोला की. तो देखो इसमें एक चीज़ ध्यान में रखो, डजंट मैटर कि ये कॉन्जुगेट है या नॉर्मल है. सबसे पहले 144 से डिवाइड कर लो, फॉर्म आ जाएगी इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन, बल्कि यहाँ 16 आ जाएगी अपॉन नाइन इक्वल टू वन. नॉर्मल हाइपरबोला है. एजम्प्टॉट्स निकलेगा वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ए एक्स. तो ए स्क्वायर 16 है तो ए हो जाएगा 4, बी हो जाएगा 3. वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3a अपॉन 4x, यानी आंसर नन ऑफ दिस. ओके जी, और जो सवाल पेपर में आए एजम्प्टॉट्स के टॉपिक से एक एक करते. इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, अब आपको दिया है 25y स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू 400. द इक्वेशन ऑफ इट एजम्प्टॉट्स विल बी, बड़ा प्यारा सवाल है भाई. देखो अब क्या है कि उसी पैटर्न पे सवाल है, ये आपको दिया हुआ है. पहले 400 से डिवाइड कर दो, y स्क्वायर अपॉन 16 माइनस x स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1. हाँ जी, इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू प्लस माइनस b यानी 4 अपॉन a यानी 5x. फिर यहाँ देखो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इस y स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 12. इक्वेशन को 12 से डिवाइड करो, ठीक है, ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर. तो इक्वेशन होती है वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी, यानी कि बी क्या हो जाएगा रूट 12 डिवाइड बाय ए यानी कि 2, यानी कि ये आंसर ऑफ